हाई फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज है रमज़ान का 16 रोज़ा, माशाल्लाह से 16 डेज हो गए रमज़ान के। एंड मिलती मैं आपसे सीधा गाड़ी में जाके, बिकॉज ना हम लोग थोड़ा ठंडा वायु में निकल रहे गाइस, तो अच्छा रहता बिकॉज धूप बहुत तेज़ है। तो चलिए गाइस गाड़ी में जाके मिलेंगे। ओके और ये मट्ठी की इतनी अच्छी खुशबू आती है मेरे को, तो बहुत पसंद जो है भाज रहे मट्टी की खुशबू पसंद थी बोले हाँ निकल गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी पहुंचेंगे अपने मंजिल पे, फिर मिलेंगे आपसे वहां पर। माउस ले रहे हम, टाइम हो रहा, सायरन हो रहा, चलो शो भी, चलो रोज़ा खोल के मिलती हूँ गाइस, ठीक है। तो माउस खाएंगे नेक्स्ट, हमारे फेवरेट चिकन लॉलीपॉप। ये क्या है? तंदूरी चिकन है ये बारबेक्यू चिकन, शोएब बोलते हैं इसको, चपली कबाब ये चपली कबाब नहीं होता। हमारा रोज़ा खोल लिए माशाल्लाह से, खा लिए मस्त चिकन तंदूरी वंदूरी कबाबा गिवाबा माशाल्लाह से। अभी निकल गए हम लोग शॉपिंग की जगह पे गाइस। आज रोज़ा लगा शोएब तुम्हारा? लगा, शुक्र करो। अभी मार्च में छः रोज़े, अगर अप्रैल मई में जून में आते थे ना रोज़े, कड़क हो जाता था हिसाब किताब। अब तो उतना रोज़ा नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और वैसा भी क्या है ना, अपन इबादत करते रहते, नमाज पढ़ते रहते, तो रोज़ा नहीं लगता, नहीं वो जो सो जाते हैं ना उन लोगों को लगता है रोज़ा। तो मैं इसलिए सबको यही रिकमेंड करता हूँ, नमाज पढ़ो, बिकॉज अपने कुरान हदीस में चुपके नहीं लिखे, रोज़ा नहीं के भी कुरान हदीस ये सब पढ़ो करो, क्योंकि ये सब करे तो रोज़ा नहीं लगता। मैं तो नॉर्मली ना 13 घंटे कोई भी ऐसी नॉर्मल कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता, मर जाते वो भी 30 दिन कोई नहीं रह सकता। 13-14 घंटे रोजा रहना बोले तो वो अल्लाह की अब वो एक रूहानी ताकत है जो इंसान को अपने मुसलमानों को मिलती है। मियाँ जी के पास कितनी नॉलेज है माशाल्लाह। कोई भी 13 घंटे कोई भी भूखे रह सकते क्या बोलो? नहीं, बिना पानी के थूक भी अंदर नहीं गए सब, किसको भी रहो बोलो, और वो भी 30 दिन रहो बोलो, नहीं रह सकते। सलमा के ईद की शॉपिंग करने के वास्ते अभी प्रेजेंटली अपन है हिमायत नगर पे। सोन जी गोल्ड की दुकान को देखे, गोल्ड की दुकान को लेके जा रहे शासन जी जाना है गोल्ड की दुकान? नहीं, शोएब यहाँ जिद करके लेके आया, मैं यहाँ से लियो, यहाँ से लियो, अच्छे रहते, एकदम यूनिक रहते, सेम पहने तो मजा नहीं आता बोलते। दूसरे स्टोर पे अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ पे क्या है, बाद में मालूम होता है। माशाल्लाह अब खा रहे हम लोग पानी पूरी एंड कटलेट्स, माय फेवरेट मैच लवर्स। बेस्ट है, अच्छा है, मोजिटो भी अच्छा है और कटलेट्स भी अच्छा है। फाइनली हम लोग घर को आ गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छी मेरी शॉपिंग हो गई, वो आप लोग को बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ गाइस। आज था 16th रोज़ा, माशाल्लाह से हम लोग रोज़ा भी खोलिए। ये ब्लॉग भी आप लोग को देर से मिलता बिकॉज ना गाइस ट्रैफिक की वजह से और भी देर हो रहा। फाइनली मेरे ड्रेसेस बहुत माशाल्लाह आउटफिट ईद के आ गए, शॉपिंग हो गई, देख सकते हम लोग कहाँ से शॉपिंग करें आज आप लोग के साथ अपडेट, बिकॉज फिर आप लोग पूछते रहते, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता रिप्लाई करने के वास्ते।
तो देखो हम लोग एबिट से, मैं तो बोली आप लोग को, तो हम लोग लिए यहाँ से लीबा से, तो यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई ईद की। तो शोएब मेरे को अच्छे अच्छे मस्त कलेक्शन दिलाए। तो शोएब मेरे को ना एक और भी लियो बोल रहे थे ड्रेस, जो शोएब को भी पसंद आया था। yes, तो nice. ये भी शोएब के पसंद के थे, लेकिन yes. एक और भी लियो बोल रहे थे। और मैं इंशाल्लाह इनको और भी दिलाता हूं। कई बार तो भाई अपनी शहजादी को कितने भी दिलाओ कम ही छे। सो कितने हाय क्या मालूम है, घर में अगर फैमिली खुश है तो अपन खुश है, फिर ईद भी होती। तो वो हिसाब से अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग आप लोगों को मालूम ना, अभी मैं दिखाता हूँ हमेशा अनबॉक्सिंग मैच करता हूँ नई चीज़ों की। yes. बट आज मैं ये चीज़ की नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इसको ईद के मतलब आउटफिट है, इसको अब दिखा दे तो मज़ा नहीं आता। अलविदा जुम्मे का एक एंड जगने की रात का एक दिखा दो। हाँ। फिर ईद का नहीं दिखा, ईद का थोड़ा मैं दिखाती हूँ। नहीं 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 नहीं, चलो वो दिखाओ पहले। चलो ये वो भी थोड़ा दिखा, कोई शेयर नहीं करते गाइस, मैं शेयर तो करती हूँ। कोई व्लॉगर अपने ईद के ड्रेस नहीं शेयर करते, बिकॉज कॉपी करते बोल के लोग, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये कलर का है कुछ ऐसा, वाह, ये पाकिस्तानी ड्रेसेस, ये पूरा पाकिस्तानी ड्रेस है। ये एक और भी है उसके नीचे, है वो दिखा रहा हूँ। ये तुम्हारी मर्जी है कब पहनते, ये कलर का तुम्हारी मर्जी। निकालो ना, निकालो, लाओ निकालो निकाल दो। तो ये मेरा आउटफिट है ईद के वास्ते समझो। इसका दुपट्टा भी मस्त है, एकदम वर्क करेगा। तो ये कलर में ली मैं, मस्त रहता है ये कलर। इसके यहाँ देखे तो मालूम हो रहा ना आपको, पाकिस्तानी स्टाइल का है ना। हाँ, ये पूरा पाकिस्तानी स्टाइल में है गाइस, देख सकते। एक और एक भी दिलाई जो है पाकिस्तानी स्टाइल का, वो भी मस्त है गाइस। निकालो निकालो, यस मजा नहीं आता, दिखा दो दिखा। ये भी पाकिस्तानी ड्रेस, वाओ, दुपट्टा रखो उसका। जिस दिन वेयर करती हूँ ना गाइस, मैं उस दिन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। पूरा फुल ड्रेस कैसा है, इसका डिज़ाइन पूरा आप लोग को मैं देखो, बॉटम है इसका, मस्त वर्क है उसको भी, तो वो आप लोग को ये तो थोड़ा थोड़ा तो दिखा दी ना मैं गाइस, ठीक है। और मैं ये मैं दिखा देती हूँ थोड़ा ही। ये है एकदम मस्त बनारसी क्लॉथ है वो। यस गाइस, देख सकते सीरियसली बहुत ही एक्सपेंसिव। और तो देख सकते गाइस इसका प्राइस है, ये शॉप का नाम है, तो इसका प्राइस है 3500 का। ये एक ड्रेस है, ईद का मेरा आउटफिट है समझो। बहुत एक्सपेंसिव है और ये पूरा बनारसी वर्क का है। जहाँ से लेते ना गाइस, हम लोग इसलिए उनके शॉप्स दिखाते, आप लोग को इससे क्या होता मालूम, हेल्प होता, जो अच्छे मतलब ड्रेसेस देखने वाले रहते बहुत ना। ईद की शॉपिंग, ईद के कपड़े, ये वो। तो हमारी सलमा की ईद की शॉपिंग है, ईद के आउटफिट के जो शॉपिंग करे उसका वीडियो ये, मतलब ऐसा रहता है शोएब को, दिन में दो तो भी पहनो बोलते मेरे को। नमाज से पहले एक हो जाता, फिर शाम में ईद के दिन फिर कुछ दूसरा पहनते, कहीं जाना है तो घूमने का। क्योंकि मेरे पास, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी थोड़ी हुई मेरी शॉपिंग में और थोड़ी नहीं हुई, लास्ट टाइम देखेंगे ना ब्लॉग में। तो ऐसा था गाइस आज का हमारा पूरा मस्त शॉपिंग, स्पेशली मेरी तो हो गई ऑलमोस्ट। अब शोएब बोल रहे, मैं तो नक्को बोल रही हूँ शोएब को, मेरे को बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना गाइस, जो भी दिए अल्लाह शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, तो इससे अल्लाह और भी देते। चलो गाइस, ये झूमर गई को डाल दिए, जो अब गर्मी हो रही है, आओ बंद कर दो, ऑफ कर दो, रिमोट है तो वो झूमर का बंद कर दो। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे। ऐसा था गाइस आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना गाइस, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या होता मालूम, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाना दिल बोलता गाइस। आई मिलती हूँ ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।